स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि NIMS के एग्ज़ाम जो है 2021 के अभी तक नहीं हो पाए हैं कोविड की वजह से। और कोविड में आप लोगों का जो क्वेश्चन आया है बार बार, बहुत लोगों का आया कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा क्या, कब होगा, होगा या नहीं होगा, क्या हमें प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा तो उसमें क्या मार्किंग रखी जाएगी। क्योंकि 2020 में अप्रैल 2020 के अराउंड में वहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल भी जमा हो गए थे और असाइनमेंट भी उनके बिहाफ पर हमें दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। और इस बार हमारे प्रैक्टिकल भी नहीं हुए हैं लेकिन असाइनमेंट जमा हो गए हैं। तो अगर प्रमोट होगा तो क्या रहेगा, हमारा मार्किंग कैसा रहेगा, और किस बिहाफ पर अगर किसी का असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है तो उनका क्या होगा। तो अगर आप NIMS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अप्रैल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो 10th क्लास है और 12th क्लास है उनके लिए अभी क्या एक्शन हुआ है। तो आज ही यानी कि 19 मई को आज नोटिस आया है NIMS की साइट से कि आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 10th क्लास के सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो पास हो जाएंगे। दूसरा, अब आता है 12th क्लास के लोगों के लिए क्या हुआ है। सर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या किया गया है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जून में डेट अभी जून के लिए सोचा गया है कि जून में डिसाइड करेंगे। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो एग्ज़ाम हो जाएगा, अदरवाइज अगर CBSE अपने स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर देती है तो NIMS को भी प्रमोट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर कोविड की सिचुएशन में चलते हुए बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते, NIMS का दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर का, फिर उसमें लेट होते हैं और ये रिदम खराब हो जाता है। तो इसको लेकर MHRD ने डिसाइड किया कि NIMS ने डिसीजन लिया कि हम 10th क्लास को अभी प्रमोट कर देते हैं और 12th क्लास के लिए डिसाइड करेंगे लेटर ऑन यानी जून तक। और जून में अगर CBSE प्रमोट करती है तो हम CBSE के अकॉर्डिंग हम भी अपने 12th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर देंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन कि सर अगर मैंने अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए थे तो क्या करूं मैं अपने असाइनमेंट फिर मेरा क्या होगा। देखिए, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं और आप फ्रेश आपने एडमिशन लिया था, इस बार फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं तो भी 20 मई तक आप अपने स्कूल में बात कर सकते हैं, जाकर के वहाँ जमा कराइए, जो भी कर रहे हैं मिलके अब उनसे बात कीजिए। अगर कोई समस्या फिर भी आती है तो एक बार हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। हो सकता है अभी थोड़ा बहुत डेट और बढ़ जाए असाइनमेंट के लिए। और अगर जमा नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप पास नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि उन स्टूडेंट का जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, दो एग्ज़ाम तीन एग्ज़ाम दे चुके हैं, या दो एग्ज़ाम तीन एग्ज़ाम चार एग्ज़ाम उनके अभी बाकी हैं इस बार होने हैं, या फेल हो गए थे आप और अब कुछ एग्ज़ाम आपके फेल होने की वजह से आपने दोबारा एग्ज़ाम फीस भरा है और फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको देना है इस बार, उन सभी स्टूडेंट में जो 10th क्लास के हैं और पहले दे चुके हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने असाइनमेंट दिया था तो असाइनमेंट कंसिडर कर लिए जाएंगे, पीछे के भी और अभी के भी। अब बात करते हैं कि क्या 12th क्लास, तो जैसा मैंने 12th क्लास बताया कि 12th क्लास के लिए अभी वेट करना पड़ेगा आपको जून तक। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा तो मार्क्स कैसा आएगा, मेरे मार्क्स क्या रहेंगे, प्रमोट होते हैं तो क्या। तो ये एक एवरेज लेके चलते हैं कि जो 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, जो 15 मार्क्स का असाइनमेंट है, उसका 5 टाइम 4 टाइम उसका मल्टीप्लाई करके जो आपका नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके एक एवरेज मार्क्स निकाल दिए जाएंगे और उस एवरेज के बेस पर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये है, अगर फिर भी आपकी अभी भी कोई डाउट है और अभी भी कुछ कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप
हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी अगर कुछ ऐसा रहता है कि क्लियर नहीं हो रहा है सर, आप हमें बताएं। नोटिस आपको नहीं मिला है, नोटिस आपको अभी वीडियो के एंड में आपको नोटिस मिल जाएगा, नोटिस आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नोटिस के बाद में आपको समझ नहीं आता, आपको नोटिस चाहिए आपके, आई थिंक आपके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रही है। और हाँ, वीडियो के एंड करने से, ख़त्म करने से पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।